प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूं। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। इस कार्यक्रम के पिछले कार्यक्रम में मैंने जिस कुंडली का कुंडली विश्लेषण किया था, उस कुंडली में उपस्थित योग और दुर्योग को लेकर के इस कार्यक्रम में उपस्थित हूं आपके सामने। कार्यक्रम लंबा न बने और कुंडली का विश्लेषण अच्छे तरीके से कर सकूं, इस वजह से मैं वहां पे योग दुर्योगों की चर्चा नहीं करता हूं। प्रायः अब मैं जो भी कुंडली विश्लेषण करूंगा, उसके अगले भाग में, उस दिन के अगले भाग में या उसके अगला जो वीडियो आपको मिलेगा कार्यक्रम, वो उस कुंडली में उपस्थित योग और दुर्योगों पे होगा। जिनकी कुंडली का विश्लेषण मैंने किया था, उनकी कुंडली में उपस्थित कुछ योग और दुर्योगों की चर्चा हम यहां पे करने वाले हैं। सबसे पहले यहां पे कर्म भाव का स्वामी बनता है गुरु और धर्म भाव के स्वामी बनते हैं शनि। इनकी कुंडली में धर्म कर्माधिपति योग बन रहा है, क्योंकि इन दोनों भावों के स्वामी एक साथ युति में बैठे हैं कुंडली के 12वें भाव में। कर्म भाव का स्वामी गुरु, 12 नंबर की राशि होती है मीन, उस राशि के अधिपति होते हैं गुरु, जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। और धर्म भाव का स्वामी, जहां से कुंडली का नवा भाव, जहां 11 नंबर लिखा है, इस राशि के अधिपति होते हैं शनि। ये दोनों भाव के स्वामी एक दूसरे के साथ युति में हैं, इस वजह से एक तरह से यहां केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। और धर्म भाव के स्वामी का कर्म भाव के स्वामी के साथ संबंध होने से धर्म कर्माधिपति योग भी बन रहा है। अगली बात, इनकी कुंडली में सप्तमेश जो कि गुरु बनते हैं और नवमेश जो कि शनि बनते हैं, इन दोनों की कुंडली का भी, इन दोनों का भी योग बन रहा है। इस वजह से यहां भी एक तरह से केंद्र का संबंध त्रिकोण से हो जाने के कारण केंद्र त्रिकोण राजयोग घटित हो रहा है। जिस जातक की कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग घटित होता है, अत्यंत बलशाली, अत्यंत मजबूत, विद्या से युक्त, भाग्य से युक्त, भाग्यशाली होता है, धन धान संपत्ति वाणी को बोलने वाला होता है, दाम्पत्य जीवन सुखी और बेहतर रहने वाला होता है, धर्म में रत रहकर कर्म करने वाला होता है, न्यायप्रिय होता है, न्याय को मानने वाला होता है, जीवन के किसी भी सेक्टर में चाहे कोई भी कार्य करे उसमें उसको सफलता आसानी से मिलते देखी गई है। सप्तम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी जब एक दूसरे से संबंध बना लेगा, तो कहीं ना कहीं ये सप्तम भाव को भी मजबूत करेगा और नवम भाव तो मजबूत होगा ही होगा। ऊपर से इस कुंडली में जब हमने चर्चा करी थी, तो शनि अपने ही राशि को देखेगा, भाग्य भाव को तो और मजबूती प्रदान कर देगा। प्रिय दर्शकों, मैं नकुल पारा सर ज्योतिष और पूजा पाठ से संबंधित बातें बताता हूँ और आशा करते हैं कि आपको इससे लाभ मिलता होगा। साथ ही ये भी अपेक्षा रखते हैं कि आप हमारे चैनल के नियमित सदस्य होंगे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सनातनीय परंपरा में होता भी यही है कि धर्म को मार्ग मिले और उसका मार्ग नित्य प्रतिदिन प्रशस्त होता रहे। फिर भी कार्यक्रम देखने के दौरान आपके दिमाग में कई सारी ऐसी बातें होती होंगी जो प्रायः कई तरह के सवाल आते होंगे, उन्हें हम तक पहुंचाइए। आशा करते हैं आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन को जरूर देखते होंगे, उसे देखिए और वहां पे हमारा नंबर दिया हुआ है, वहां हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह सारे चीजों के डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, जिससे आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर इस चैनल से आपको कोई भी शिकायत हो, कुछ भी गिले शिकवे हो, हमें जरूर बताइए, क्योंकि चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, मैं इसको सिर्फ संचालित करता हूं। ये आपकी है श्रीमान, आपकी है, ये हम और आप दोनों की है, जिसे मिल करके आगे बढ़ाना है। आशा करते हैं आप हमारे चैनल को आगे ले जाने के लिए प्रत्येक दिन एक छोटा सा समय जरूर देंगे हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए। इनकी कुंडली में सरल नामक और विपरीत नामक राजयोग भी बन रहा है। वो कैसे बनता है, आइए देखते हैं। कुंडली के 12वें भाव का स्वामी बनता है शुक्र, वो जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है। और कुंडली के छठे, कुंडली का छठा भाव जहां 8 नंबर लिखा है, कुंडली का 8वां भाव जहां 10 नंबर लिखा है, और कुंडली का 12वां भाव जहां 2 नंबर लिखा है। अगर इन भावों में जो राशि बन रही है, एक बार फिर से, अगर कुंडली के छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में जो अंक लिखा है, उस अंक पे जो राशि होती है,
उस राशि के जो अधिपति अगर इन्हीं भावों में बैठ जाएं, क्रमशः छठे, आठवें या बारहवें भाव में, या इन्हीं तीनों भावों में से किसी भाव में बैठ जाएं। अब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए शुक्र जो बना वो बारहवें भाव का स्वामी बना और वो इस भाव का स्वामी होकर के कुंडली के आठवें भाव में बैठा है। क्रमशः ऐसी स्थिति बने कि छठे, आठवें और बारहवें भाव का स्वामी अगर इन्हीं तीनों भावों में बैठ जाता है तो ये विपरीत राजयोग बन जाता है। ये एक तरह का राजयोग का फल देता है और ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति को देने वाला या अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति का द्योतक हो जाता है। जातक रोग से लड़ने वाला हो जाता है, शत्रुहंता हो जाता है और अगर उसका लग्न मजबूत हो जाए तो जातक के विपरीत परिस्थिति के आने पर विपरीत राजयोग का जागृति हो जाता है या उसकी जागृति होती है और जातक को उसका लाभ मिलता है। विपरीत राजयोग का फल तभी मिलता है जब लग्न और लग्नेश मजबूत होते हैं। ये स्थिति एक बनती है। इनकी कुंडली में सरल नामक योग भी बन रहा है क्योंकि बारहवें भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है। शुक्र जो बारहवें भाव का स्वामी बनता है आठवें भाव में बैठा है, इस वजह से ये धन संपत्ति, गुप्त धन और गुप्त विद्याओं को देने वाला हो जाएगा। ऐसी स्थिति बन जाती है। जातक मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और कई बार जातक को अचानक धन संपत्ति मिलने वाली स्थिति बन जाती है। अब इनकी कुंडली में थोड़े से दुर्योगों की चर्चा कर लेते हैं। इनकी कुंडली में लग्न में पापक ग्रह का बैठा होना, मूल त्रिकोण होकर के राहु बैठा है, पाप कर्त्री दोष लग जाएगा और कहीं ना कहीं कुंडली के पिछले भाव में शनि बैठा है और अगले भाव में चंद्रमा जो अपनी राशि में बैठा है। हालांकि पाप कर्त्री दोष बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है लेकिन फिर भी लग्न में पापक ग्रह का बैठ जाना थोड़ा सा एक तरह से ज्योतिष गणों का कुछ ऐसा मंडल है जो लग्न में पापक ग्रह को अच्छा मानते हैं क्योंकि वो उसका फल जो होता है वो तटस्थ हो जाता है, लेकिन पर्यावरण चूंकि पापक ग्रह का मिल रहा है इस वजह से ये पापकर्त्री दोष से भी पीड़ित हो जाएगा कहीं ना कहीं। और इनकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी बनते हैं बुध, जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, ये एक तरह से दुर्योग हो जाता है। जो जातक के सुखोपभोग की जो वस्तुएं हैं सुख से संबंधित समस्याओं को खड़ा करने वाला बन जाता है, माता को कमजोर करने वाला बन जाता है, माता के स्वास्थ्य को परेशानी में डालने वाला हो जाता है। जातक को बहुत मेहनत करने के बाद जातक को सुख आदि की स्थिति पैदा होती है। इनकी कुंडली में लग्नेश जो बनते हैं बुध, जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, इस वजह से जातक की कुंडली में अब योग जैसी स्थिति बन रही है और काफी प्रतियोगिता करने के बाद जातक को सफलता मिलते देखा गया है। हालांकि कई बार लग्नेश जब अष्टम भाव से या छठे भाव से या बारहवें भाव से संबंध बना लेते हैं तो चूंकि वो लग्नेश होता है इस वजह से वो कई बार अच्छा फल भी देता है, या लग्नेश अगर कुंडली के किसी भी भाव में बैठेगा वो अच्छा ही फल करेगा। योग दुर्योगों की चर्चा करने के बाद कुछ इसी तरह से कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। इनकी कुंडली में अच्छे अच्छे योग बने थे वो मैंने बताया और क्रमशः जो नक्षत्र भी बैठे हैं वो अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं क्योंकि बुध अपने नक्षत्र का होकर के बैठा है, शुक्र जो कि शुभ ग्रह के नक्षत्र को लेकर के बैठा है, यहां पे गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में लेकर के बैठे हैं और चंद्रमा बुध के नक्षत्र को लेकर के बैठे हैं। इस वजह से ये कुंडली कहीं ना कहीं श्रेष्ठ और सही साबित हो जाती है। कुछ इसी तरह से योग दुर्योगों की चर्चा करने के बाद कार्यक्रम का समापन करते हैं। आशा करते हैं आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।